नमस्कार दोस्तों, टेक्सचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लेजर कीबोर्ड्स के बारे में। दोस्तों, लेजर कीबोर्ड्स काफी कमाल के होते हैं दोस्तों, और एक डिवाइस टाइप आता है दोस्तों, वो डिवाइस रहता है जो कि आपके सामने जो भी फ्लैट सर्फेस होगा उसमें वो प्रोजेक्ट करता है वो डिवाइस अपने कीबोर्ड को, जो कि अपने को 3D वर्चुअल एकदम एक्सपीरियंस देता है कीबोर्ड का। जो कि हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होते थे उसमें हम बटन से टाइप करते थे, तो उसमें सब फंक्शनिंग होती है, हम वो समझ सकते हैं, वायर्स लगे हुए, बटन से हम कमांड दे रहे और वो कीबोर्ड अपने तरीके से काम कर रहा है। और दोस्तों, फिर आते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड कैसे होते हैं, उसमें भी वायर्स तो लगी ही है, और दोस्तों वहां पर कुछ फ्लेक्सिबल मटेरियल लगा दिया है, तो कीबोर्ड को हम कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कीबोर्ड के साथ, लेकिन उसकी भी फंक्शनिंग समझ ही जा सकती है। और ये जो कि लेजर कीबोर्ड है वो दोस्तों दूसरा ही अलग कीबोर्ड है, काफी वो भी कमाल का डिवाइस होता है। जैसे ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो कि मेरे पास डिवाइस है, और दोस्तों उसको अगर हम सामने प्रोजेक्ट करें और जैसे डिवाइस को ऑन करते हैं तो सामने फ्लैट सरफेस पर वो प्रोजेक्ट करता है वो कीबोर्ड को दोस्तों। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है, ये क्या ये सभी के लिए यूजफुल हो सकता है, क्या ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है जो कि नॉर्मल कीबोर्ड्स के कंपैरेटिवली, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, रिव्यू करते हैं ये कीबोर्ड का दोस्तों, वर्चुअल कीबोर्ड जो कि हम लेजर कीबोर्ड्स बोलते हैं दोस्तों इसको नॉर्मल लैंग्वेज में। तो देखते रहिए मेरे ये पूरा वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, अभी मैं आता हूँ सबसे पहले इसके वर्किंग के ऊपर, कैसे ये काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इसके भी सिंपल से लॉजिक है दोस्तों। यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि हम अगर पहले मैं भी छोटा था तभी देखिए हम मार्केट में लेजर लाइट्स मिलती थी, जो कि हम एक पॉइंट रहता था उसको काफी दूर तक हम प्रोजेक्ट करते थे, फिर उसके आगे की कैप्स हम चेंज कर पाते थे, जो कि कोई भी कार्टून्स की कैप लगा दी तो वो सामने अभी प्रोजेक्ट करेगा वो कार्टून की कैप, जो कि पहले पॉइंट को प्रोजेक्ट कर रहा था वो लेजर लाइट। तो दोस्तों इसकी भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, वहाँ पर एक डिवाइस है उसमें से लेजर निकल रही है और वो सामने की तरफ प्रोजेक्ट होने वाली है। तो दोस्तों वहाँ पर भी एक ऐसी कैप लगा दी है जो कि हमारे कीबोर्ड के टाइप में, जो कीबोर्ड्स के कीज है जैसे उसके टाइप में ये प्रोजेक्ट करे दोस्तों, तो वो सामने लेजर को प्रोजेक्ट करता है हमारे फ्लैट सरफेस पर वो डिवाइस। और दोस्तों डिवाइस को हमें कनेक्ट करना होता है अपने CPU या कोई भी लैपटॉप जिसमें हम काम में लेना चाहते हैं ये कीबोर्ड को दोस्तों, वो कोई भी नेटवर्क से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया या फिर उसका कोई भी रिसीवर होता है, कुछ भी वो एक नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है हमें हमारे लैपटॉप CPU में, जिसमें भी हम काम में लेना चाहते हैं वो कीबोर्ड्स दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिर्फ तो प्रोजेक्ट की हो गई, लेकिन हम कमांड सब देते हैं वो कीबोर्ड पर, वो काम कैसे करता है दोस्तों, अभी ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि वो जो लेजर हो गई प्रोजेक्ट कर दिया उसने, तो फिर दोस्तों उसके पीछे और एक भी सेंसर होता है दोस्तों, जो कि हमारी फिंगर्स को डिटेक्ट करता है और कौन सी की के यहाँ पर हम फिंगर रख रहे हैं वो लेजर के सामने, तो दोस्तों ये डिटेक्ट कर लेता है, वो लेयर बना देता है जिससे कि वो हम जो भी टाइप करेंगे और कौन से भी एरिया में अगर हम टाइप करें तो वो समझ जाता है वो डिवाइस जो भी सामने से प्रोजेक्ट कर रहा है हमारे कीबोर्ड को दोस्तों। तो काफी सिंपल सी इसकी वर्किंग है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि टाइपर्स अगर ये कीबोर्ड को काम में ले तो अच्छा होगा या नहीं, तो दोस्तों टाइपर्स अगर ये कीबोर्ड को काम में लेंगे तो उनके लिए काम बहुत स्लो हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ये कीबोर्ड जो कि होते हैं वो थोड़े ही एक मिनट, जैसे कि एक मिनट में कुछ 50 से 60 लेटर्स ही इनपुट कर पाते हैं अपने डिवाइस में दोस्तों, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। और वहाँ पर टाइपर्स होते हैं जो कि बहुत फास्ट कीबोर्ड टाइपिंग करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये कीबोर्ड्स हो जाते हैं बहुत ही स्लो दोस्तों। ऐसे में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये कीबोर्ड खरीदे, ट्राई कर ले एक कीबोर्ड कैसा है दोस्तों, आपको अगर शो ऑफ करना है तो उसके लिए ये कीबोर्ड है कुछ इतनी ज्यादा यूजफुल भी नहीं है दोस्तों, और बहुत ही स्लो होता है ये काम करने में दोस्तों, क्योंकि इतनी कूल लुकिंग डिवाइस अट्रैक्टिव है और शो ऑफ करने के लिए दोस्तों ये है। अगर आप इसे खरीदना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके खरीदो, सिर्फ अगर डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्राइस वाइज चेक कर सकते हो। यही था इसकी वर्किंग और कैसे ये काम करता है कीबोर्ड्स, और दोस्तों किनके लिए यूजफुल है या नहीं है ये कीबोर्ड। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक कमाल के टेक फ्रेश वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।